बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं और खुशहाल हैं और अच्छे माहौल में हैं। तो हमने सोचा कि आज न्यू रेसिपी है तो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और आजकल जनाब आंधी और तूफान का मौसम है, उसकी वजह से जो है ना डस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और फिर डेली जो है वो नीट एंड क्लीन करना पड़ता है घर, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिलता वीडियो बनाने का। और आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा काम जो मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँ। ये एक न्यू डिश है और आजकल के मौसम में जो है ना ये ज़्यादा शौक से खाई जाती है और मतलब कि बच्चे बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस डिश को पसंद भी करते हैं और वैसे भी ये हेल्दी डिश होती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ जी, अपनी जो है ना ब्लॉगिंग कुकिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इधर मैंने 2 अदद प्याज लिए थे और तकरीबन 4 से 5 अदद गठियाँ लहसुन की जो है वो मैंने छील के, तो और प्याज जो है 2 अदद लिए थे मैंने वो काट के, उनमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है ताकि अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जो है वो भी ऐड कर दी हैं, और टमाटर 1 टमाटर और 3-4 सब्ज़ मिर्ची मैंने ऐड की हैं, और सुरख मिर्च हल्दी नमक और गरम मसाला जो है वो मैंने साथ ही डाल दिया था। तो खांसी आ रही है क्योंकि जो है ना मिर्चे मैंने साथ ही डाल दिया, तो इस वजह से जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली में ये आप साथ में डाल दें या जिस वक्त आप इसमें ऑयल डालते हैं तो उस वक्त आप इसमें मिर्चें भी डाल लें तो वो भी बेस्ट है। इसके अलावा ये मेरे पास चावल हैं, 1/2 कप चावल मैंने जो है ना तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। 1/2 कप मेरे पास चावल है, 1/2 कप से कम ही होंगे क्योंकि बहुत थोड़े से चावल जो है ना वो 1/2 कप या बहुत थोड़े से 2-3-4 चम्मच चावल जो है वो आप लेके उनको पानी में भिगोए, और फिर 1 घंटे बाद मैंने इसको अब मैं जो है ना मिक्सचर रेडी करके तो इसमें पानी डालूंगी और साथ ही मैं चावल भी ऐड कर दूंगी, और फिर तकरीबन 20-25 मिनट तक पकती रहेगी हांडी। तो फिर बहुत अच्छे से चावल जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे खीर में पकाए जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि खीर में चावल जो है वो डाले हुए हैं या वैसे ही किसी चीज़ के, तो इसी तरह इसमें भी चावल जो है वो इस तरह डाल जाएंगे तो फिर हांडी जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा साफ है। और इस डिश में एक जो मज़े की बात है वो ये है कि आजकल के मौसम में आपको पता है लहसुन जो है वो आजकल के मौसम में काश्त होता है, और लहसुन का टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा आता है, और इस वजह से भी मैंने चावल ऐड कर लिए। लेकिन कुछ लोग जो है वो सिर्फ लहसुन और प्याज और टमाटर इस चीज़ को का जो है ना सालन बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है कि हम चावल थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, 1/2 कप चावल ऐड कर लेते हैं तो बहुत टेस्टफुल सा खाना बनता है। पानी तो मैंने डाला था लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो भी कम है, लेकिन अभी गल जाएगा। इसके अलावा जनाब ये जो बैक साइड एरिया किचन का वो आज मैंने बहुत अच्छी से क्लीन और नीट क्लीन किया, क्योंकि आपको पता है कि ये जब किचन के ज़्यादातर काम जो होता है वो किचन में होता है, एक अकेले बंदे के लिए सारा घर का काम जो है वो संभालना मुश्किल होता है, इसलिए ये जो बैक साइड है इसको साफ़ करना जो है वो डेली तो मुमकिन नहीं होता मेरे लिए, इसलिए आज मैंने दूसरे बहुत सारे काम छोड़ के तो यहाँ से सफाइयाँ की हैं, तो ऊपर से शेल्फ वगैरह जो है वो भी साफ़ किया, और ये ऊपर शीट जो हमने लगाई हुई है वो साफ़ कर लेते हैं ऊपर से। और ये देखें ये शीट लगाई हुई है इधर,
इधर इस साइड पे ना आलू और प्याज वगैरह रख लिए जाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो रख ली जाती हैं। और इसके अलावा ये बर्तन जो है ये भी मैं इधर ही रखती हूँ, जो ज़्यादा इस्तेमाल के बर्तन है वो बाहर रखती हूँ, केबनों से बाहर रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब किचन केबन्स जो हैं वो बार बार खुलेंगे और बंद होंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो है ना जो ज़्यादा काम होता है वो मैंने ये केबन में रखने वाली चीज़ें जो होती हैं वो मैंने ज़्यादातर बाहर रखी हुई हैं। तो अभी चलते हैं हांडिया की तरफ। हंडिया में पानी भी अभी है और अभी डाल रहे हैं। अगर आप लोग इसमें पानी डाल के इसको गाल लें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और इसके अलावा भी अगर इसको आप ग्राइंडर में पीस लें तो वो भी बेस्ट हो जाता है, वो भी जल्दी से कुकिंग हो जाती है उसमें। लेकिन मैंने इस तरह जो है वो गालने को ज़्यादा बेस्ट समझा, क्योंकि इस तरह इसमें से स्मेल नहीं प्याजों की आएगी, और ग्राइंडर किए जाएँ तो फिर उनमें से स्मेल नहीं ख़त्म होती और उस वजह से हांडी का जायका नहीं होता जी। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमारा लहसुन प्याज और टमाटर सब मिक्स हैं, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ था वो सब मिक्स हो गया है। और अब इसमें मैंने ऑयल ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ ताकि लहसुन की स्मेल जो है बिल्कुल ना आए। इसमें अदरक भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने अदरक जो है वो नहीं डाली। तो लेकिन अदरक पाउडर या अदरक आपके पास हो तो आप जरूर डालिएगा, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो बनेगी वो आपको पता है हेल्दी होती है, तो इसलिए अदरक जो है वो ज़रूरी है इसमें।